मैथ था हिंदी मीडियम से एलेवंथ में को कुछ भी नहीं आता था सेल्फ स्टडी कर रहा था तो एडवांस देने का बहुत ज़्यादा डर था पापा पढ़े लिखे नहीं थे कहाँ जाता है कैसे करता क्या करता तो वे उठता था शाम कब हो जाती थी मेरे को खुद पता नहीं चलता था इतना पैसा था नहीं जिससे पहले बताया कि पापा के पास कि किसी अच्छी सिटी में जाके मैं कोचिंग कर सकता जेई की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो मैंने अपने लैपटॉप ओपन किया और वहाँ पे अपना रोल नंबर डाला हाई गाइस आई एम संजू कुमार थर्ड ए स्टेट एट आई कानपुर मैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मेरे मम्मी पापा कभी स्कूल नहीं गए हैं और उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है पापा थोड़ा हिंदी जानते हैं पढ़ना बट कभी स्कूल नहीं गए हैं कोचिंग पापा बताया करते थे कि यार कोई आया करता था घर पर पढ़ाने तो उनसे पढ़ाए और मम्मी तो कभी भी स्कूल गई ही नहीं है और जो आई की मैंने तैयारी थी वो ड्रॉप वे में की थी और पता चला था एक अंकल थे जिन्होंने मेरे को बताया था क्योंकि उनका बेटा खुद आई में था मैं एक दिन अपने पापा के साथ जो मार्केट में मेरी छोटी सी शॉप थी वहाँ बैठा हुआ था तो अंकल आते हैं इवनिंग के टाइम पे पापा से बातें करते हैं पूछते हैं कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा तो ऐसे ही पापा बता देते हैं कि मैथ कर रहा भी ट्वेल्थ में है तो मैथ से है तो पूछते हैं कि मैथ से है तो पढ़ता भी नहीं है पूरा दिन यहीं बैठा रहता है बोलते हैं कि पढ़ रहा है बट उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने घंटे पढ़ते हो मैंने बोला तीन घंटे पढ़ता हूँ क्योंकि गाँव में कोई नहीं पढ़ता है इतना सब में जो दोस्त थे वो भी बहुत ही कम पढ़ा करते थे और जब उन्होंने बोला कि यार मेरा बेटा छः घंटे पढ़ता था और जय की उसने तैयारी की थी तो मैंने पूछा कि क्या कर रहा है अभी क्या कर रहा है तो उन्होंने बोला कि आई से ग्रेजुएट होकर अभी जॉब कर रहा है और सैलरी उन्होंने जब बताई तो लाइक मेरे तो कान खड़े हो गए क्योंकि गांव में जो होता है ज़्यादातर तो लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और वहाँ पे सैलरी आपको पता ही है फोर्टी फिफ्टी के अराउंड ही रहती है जब उन्होंने बताया कि ट्वेंटी लाख पर ईयर की उसकी सैलरी है तो मेरे कान खड़े ही हो गए तो मैंने जाना थोड़ा और उसके बारे में कि क्या होता है कैसे किया है तो मैं उन्होंने बताया कि आई होता है इसके लिए ये एग्ज़ाम होता है तो उन्होंने मेरे को ए आई ट्रिपल ए के बारे में बताया और उस टाइम तक ए आई ट्रपल ई बंद हो चुका था फिर तो वहाँ से आई आई टी जेई मैंने स्टार्ट हो चुका था एडवांस था तो मैंने उस टाइम तो एलेवेंथ में था और इंड हो रहा था इलेवनथ तो वहाँ पर ट्वेल्थ की तैयारी करनी थी और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने थे क्योंकि तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं होंगे सेवेंटी फाइव प्लस नहीं होंगे तो आई टी में वैसे भी नहीं होता तो मैंने उस पर फोकस किया और उसकी तैयारी की तो जब वो हो गया एक साल तक पूरा बोर्ड पर फोकस करने के बाद मैंने जे के बारे में सोचा क्योंकि वहाँ पर मेरे जितने भी फ्रेंड थे सब बीए या बीएससी या कोई डिप्लोमा कर रहे थे और मैं हमेशा लाइक बाहर निकलने में डरता था कभी लाइक नए कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं कराना या वो चीज़ें हो गई क्योंकि मैंने अपने गाँव में जो स्कूल था एल के जी से लाकर ट्वेल्थ तक एक ही स्कूल से की थी मैं भी चेंज करना चाहा टेंथ के बाद स्कूल बट वही दिक्कत कि पापा पढ़े लिखे नहीं थे कहाँ जाता कैसे करता क्या करता तो उसके कारण मैंने चेंज नहीं किया उसी गांव में उसी स्कूल से मैंने ट्वेल्थ भी कर लिया ये हो गया फिर जब ट्वेल्थ हुआ अब ट्वेल्थ में मैंने अब किसी कॉलेज में जा एडमिशन करवाना इतना आसान तो था कहीं भी जाकर करवा लो बट दिक्कत होती यार पापा जानते नहीं थे इतना तो मैंने सोचा सबसे अच्छा तरीका है जेई की तैयारी करना आई आई टी की तैयारी करूँगा तो यू में जो कॉलेजेस होते हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं और अच्छा हो गया तो आई टी एन में तो हो ही जाएगा नहीं आई में तो एन में हो ही जाएगा तो वो सोच के मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया और बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद अब जो भी मेरे दोस्त थे वो सब कहीं बीए कर रहे थे कोई बीएससी कर रहा था कोई डिप्लोमा कर रहा था बट मेरे को आई टी करना था मेरे को आई टी जाने की तैयारी करनी थी बट प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि मैं था हिंदी मीडियम से अब बुक्स और स्टडी मटेरियल सारा जो भी यूट्यूब पर भी जो टीचर पढ़ाते हैं वो सब इंग्लिश में पढ़ाया करते थे जो अच्छा स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में ही था तो लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रही थी तो हिंदी मीडियम में जो भी बुक्स थी ऑनलाइन वो मैंने ऑर्डर कर दी और इतना पैसा था नहीं से पहले बताया कि पापा के पास कि किसी अच्छी सिटी में जाके मैं कोचिंग कर सकता तो मैंने वहीं से जो बुक थी उन्हीं से मैंने स्टार्ट कर दिया अब मैं क्या करता था कि यार यूट्यूब से लेक्चर देखा करता था यूट्यूब से लेक्चर देखने के बाद उनके नोट्स बनाया करता था और जो बुक्स थी हिंदी मीडियम वाली उनसे पढ़ा करता था उन्हीं से प्रैक्टिस किया करता था तो स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आई कि यहाँ लेक्चर समझ नहीं आ रहे थे कैसे करना है कैसे नहीं करना है डाउट बहुत सारे आ रहे थे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे तो अब ले, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी वो तो दो महीने के अंदर खत्म हो गई क्योंकि जब आप एक काम को बार बार करते रहते हो तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो खत्म हो गई अब रही प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं बनते थे तो क्वेश्चन नहीं बनते थे डाउट बहुत आया करते थे सेल्फ स्टडी किया कर रहा था तो फिर डाउट जो थे मैं गूगल से सर्च करके वहाँ से कवर कर लिया करता था कुछ मिलते थे कुछ नहीं मिलते थे तो जो नहीं मिलते थे उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता था क्योंकि अब करना था सेल्फिशली से करना था तो करना था फिर इसी तरह से मैं करता रहा तो एक साल तक पूरा हार्डवर्क किया बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह तो डाउट थे ही बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो थी टाइम मैनेजमेंट की कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था सुबह उठता था शाम कब हो जाती थी मेरे को खुद पता नहीं चलता था तो धीरे धीरे करके रियलाइज़ किया गया नहीं ऐसे तो होगा नहीं टाइम तो मेरे को मैनेज करना पड़ेगा तो फिर मैंने क्या किया कि डेली छः घंटे मेरे को लेक्चर देखने थे दो दो घंटे इस सब्जेक्ट अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भैया मैं दो सब्जेक्ट डेली कर लूँ या तीनों करूँ तो उनके समझ नहीं आता तो बट मैं तीनों किया करता था दो दो घंटे इस सब्जेक्ट उसके बाद दो दो घंटे की प्रैक्टिस किया करता था तो इस तरह से हो बारह घंटे और उसके बाद दो घंटे और नोट्स बनाना और जो पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन किया करता था तो इस तरह से अपना मैं टाइम मैनेज किया करता था और लाइक ये पूरा टाइम टेबल मैंने अपने पूरे एक साल तक फॉलो किया तो जेई की तैयारी होती है तो इसमें क्या होता है मेरे पास तीन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इसमें हमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ते हैं प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है तो हमें सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा लेक्चर हमें कितने टाइम तक देखने बाद प्रैक्टिस कितनी करनी है और जेई की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो चाहे आप दस घंटे पढ़ो बारह घंटे पढ़ो चाहे आप अठारह घंटे पढ़ो जो कि कोई नहीं पढ़ता बट उससे नहीं होगा प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी जब मैं स्टार्टिंग में दो तीन महीने किया तो मैं ज़्यादा लेक्चर देख रहा था कॉन्सेप्ट पे अधिक फोकस कर रहा था तो क्वेश्चन बनने ही रहते तो मैंने कहा ऐसे तो होगा नहीं इसीलिए मैंने अपना टाइम मैनेज किया मैंने टाइम मैनेजमेंट की तरफ सोचा कि आई टाइम बनाना चाहिए तो मैंने दो दो घंटे ईच सब्जेक्ट लाइक छः घंटे मैं लेक्चर देखा करता था क्योंकि तो अब ऐसा नहीं है कि तुम पहले पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लोगे उसके बाद तुम जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे नहीं होगा क्योंकि तो जब तक तुम चैप्टर खत्म करोगे तब तक ये चीज़ें भूल जाओगे कि मैंने पढ़ा क्या था स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर चलना पड़ेगा तो यही मैं कर रहा था कि जो आज पढ़ा दो घंटे में उसी की प्रैक्टिस कर ली उसी को रिवाइज़ कर लिया फिर नेक्स्ट डे अगला किया करता था मैंने जो जेई की तैयारी थी वो ड्रॉप एयर में की थी लाइक ट्वेल्थ के बाद की थी अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइन्थ से या एलेवन्थ से बहुत डरने लगते हैं जिनका एलेवन्थ बर्बाद हो जाता है बस डर जाते हैं कि भैया अब तो मेरा नहीं होगा एक साल बचा हुआ है तो कैसे कर पाऊँगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है मैंने ट्वेल्थ के बाद किया मैंने एलेवन्थ में कुछ नहीं पढ़ा था सच बोले तो कुछ नहीं पढ़ा था एलेवंथ मेरे को कुछ भी नहीं आता था ट्वेल्थ में पूरा बोर्ड पे फोकस किया जे के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या होता है कुछ पता नहीं था तो फिर ड्रॉप एयर में किया तो आप लोग भी यदि एलेवंथ में हो या ट्वेल्थ में भी हो तो आपको डरना नहीं है यार आप भी कर सकते हो जो बच्चे डर जाते हैं एलेवंथ में ही डर जाते हैं तो उन्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है आप यदि एक साल में भी हो जाता है और ट्वेल्थ में हो तो ट्वेल्थ और ड्रॉप एयर में आराम से कर लोगे तो डोंट वरी अबाउट दैट सो इंडिया में बहुत से बच्चे जो हैं अदर अदर मीडियम से बिलोंग करते हैं अब उनके लिए सबसे अधिक प्रॉब्लम करती है लैंग्वेज अब बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से गाँव से बिलोंग करते हैं छोटे छोटे गाँव से जहाँ पर अच्छे से उनके खाने को नहीं मिलता है तो इंग्लिश की तैयारी करना है वो चीज़ें बहुत दिक्कत होती हैं तो वो भी सोचते हैं यार मेरे को जे में जे की तैयारी करनी है आई टी में जाना है तो उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम आएगी आप स्टार्ट करोगे बहुत ही प्रॉब्लम आएगी लाइक समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे क्या करना है आप पढ़ते पढ़ोगे लेकिन पढ़ना कहाँ से ये भी पता नहीं चलेगा बट आपको स्टार्ट करना है आपको अपना कदम बढ़ाना है कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला अब लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है वो एक लैंग्वेज है जो कि एक दो महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी जब आप स्टार्ट करोगे दो चार महीने में जो हिंदी है कोई भी लैंग्वेज हो जैसे कि बंगाली मीडियम या गुजराती मीडियम से लोग स्टार्ट करते हैं जी की तैयारी बट एक दो महीने के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी बट आपका सीखना हार्डवर्क करना वो आपको आना चाहिए यदि आप हार्डवर्किंग हो तो आप किसी भी लैंग्वेज से हो सब टैकल कर लोगे सब कुछ कर लोगे बट तो हार्डवर्क करना है आप हिंदी मीडियम से हो तब भी होगा इंग्लिश मीडियम से हो तब भी होगा गुजराती बंगाली या किसी भी मीडियम से हो, होगा स्टार्ट करो हार्डवर्क करो हो जाएगा जब मैं आई टी की तैयारी कर रहा था तीन चार महीने हो गए बट रिजल्ट दिख नहीं रहा था क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे और फिर मैंने मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पर तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मेरे तीस चालीस मार्क्स आ रहे थे तो मेरे को लगा यार क्या करूं लाइक like, कैसे मार्क्स अपने इंक्रीज करूँ क्या करूँ लाइक like, छोड़ दो क्या बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था एक साल के लिए ड्रॉप लिया था अब बीच में जाके आप सितंबर या अक्टूबर में कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले भी नहीं सकते हो तो फिर मैंने सोचा अब एक साल है जो कि सोचा है उसे करो ख़त्म करो इसे तैयारी तो करना स्टार्ट किया तो खत्म करो जो होगा देखा जाएगा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा क्योंकि तो मेरा जो मेन गोल था स्टार्टिंग से यू था तो क्योंकि स्कूल में पता चल गया था तो इसी को सोच के मैंने एक साल तक पूरा तैयारी की ठीक है बट जब फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ वहाँ पे 75 फाइव परसेंट बनी तो मेरे को लगा यार मैं कर सकता हूँ हो जाएगा मेरा भी क्योंकि टाइम है अभी सेकेंड अटैम्प्ट कर लूँगा तो ये सोच के मैंने और थोड़ा जो हार्डवर्क था उसे और ज़्यादा किया जितना पढ़ता था उससे और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट मेरे हो गए थे जो कोर्स था वो कम्पलीट हो गया था बट प्रैक्टिस कम बची हुई करना बट प्रैक्टिस ज़्यादा करना था तो मैंने प्रैक्टिस और ज़्यादा की लेक्चर देखना कम किया छः घंटे से भी और कम कर दिया चार पाँच घंटे लेक्चर देखा करता था प्रैक्टिस ज़्यादा किया करता था तो वो किया और उसके बाद फिर सब हो ही गया बट कोई ना उसके बाद टाइम मेरे को मिल गया कोविड भी आ गया तो वो मेरे लिए एक अच्छा फैक्टर लाइक अच्छा हुआ जिसके कारण मेरे को टाइम अधिक मिल गया और उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया और सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने अच्छा किया लाइक वहाँ पर काफ़ी अच्छी पसेंटाइल बन गई थी और उसके बाद फिर एडवांस दिया फिर उसके बाद एडवांस हुआ अब एडवांस के टाइम पे क्या था कि अब सेल्फ स्टडी कर रहा था तो एडवांस देने का बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि एडवांस हार्ड होता है और मिक्सम स्टूडेंट जो भी जेई की तैयारी करते हैं उन्हें एडवांस बहुत हार्ड लगता है तो इसके कारण वो क्या होता है कि एडवांस में थोड़ा या तो डिमिटेट हो जाते हैं या थोड़ी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनका एडवांस वीक हो जाता है लाइक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं इसी रीजन मेरे साथ भी था तो मैंने बट मेरा जो था एडवांस के लिए मैं पहले जब टाइम मेरे को मिला फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद सेकेंड अटैम्प्ट के लिए तो वहाँ पर मैं एडवांस का भी थोड़ा पढ़ा करता था एडवांस की पीबाई को लगाया करता था जिससे कि एडवांस के अटैम्प्ट से पहले ही मेरा एडवांस का ओवरव्यू हो चुका था चीज़ें कंप्लीट कर ली थी मैंने जब जेमिन के सेकंड अटैम्प्ट के बाद जो टाइम बचा था एक महीने का एडवांस के लिए तो उस टाइम मैंने पूरा प्रैक्टिस किया सिर्फ एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट फोकस किया नहीं कॉन्सेप्ट तो हो ही गए थे एडवांस में भी कॉन्सेप्ट का इतना रहता नहीं है क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए एडवांस दिया पता नहीं था होगा या नहीं होगा बस गए एग्जाम देखे चले आए और उसके बाद फिर जब रिजल्ट का दिन आया शायद बारह बजे होंगे ठीक है उस टाइम जब मैंने अपने लैपटॉप ओपन किया और वहाँ पर जब अपना रोल नंबर डाला एकदम मैं तो शौक ही रह गया क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार मेरे रैंक आएगी ऐसा वैसा होगा बट वहाँ पर रैंक आई फिर उसके बाद मैंने कॉलेज देखना स्टार्ट किया है कौन सा कॉलेज मिलेगा क्या मिलेगा उतनी रैंक पर क्या होगा क्या नहीं होगा तो मेरे को जाना था आई दिल्ली टी आई कानपुर तो मेरे को कभी भी सपने में मैंने सोचा नहीं था कि यार मैं आई कानपुर जाऊँगा चिड़ सी थी यार आई कानपुर से आई टी रुकी दिल्ली वो चलता बी एच यू भी चलता बट कानपुर नहीं जाना था बट जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हुई फिर और लोगों से बात की तो उन लोगों ने रिकमेंड किया कानपुर चले जाओ नज़दीक भी है अच्छा भी है और सही है मैंने सोचा चलो यार कानपुर ही फिक्स करते हैं टॉप फोर कॉलेज है इंडिया का टॉप फोर आई है ये भी अच्छा है ले लेते हैं तो फिर मैंने आई कानपुर चूज़ कर लिया स्टार्टिंग में तो जब क्लासेस स्टार्ट हुई शायद ट्वेंटी थ्री नवंबर से ट्वेंटी ट्वेंटी में मेरी पहली क्लास थी जो पहली क्लास थी ऑनलाइन थे डेढ़ साल तक पूरा मेरा कॉलेज ऑनलाइन ही चला तो ऑनलाइन में जब पहली क्लास में जूम पे हुई स्टार्ट किया तो प्रोफेसर पूरा इंग्लिश में ही बोल रहे थे इंग्लिश में ही समझा रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था एक दो क्लास में कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो मेरे को लगा यार कैसे होगा यहाँ पे लाइक दोस्त भी नहीं थे क्योंकि ऑनलाइन में कितने दोस्त बन ही नहीं पाते ना दोस्त ग्रुप तो बने हुए थे बट कोई कनेक्शन नहीं था दोस्तों के बीच में तो एक साल डेढ़ साल ऐसे ही चला बट धीरे धीरे करके जब ज़, जब जेई की तैयारी की थी तो जैसे किया था वहाँ पे एक दो महीने कुछ समझ नहीं आया था वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ बट जब कॉलेज में होता है कि टाइम बहुत ही कम रहता है एक मंथ के अंदर ही मिड से आ जाते हैं उसके बाद इनसे मा जाता है तो पता ही नहीं चलता तो इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बहुत लाइक अच्छा नहीं गया बहुत कम सी बनी हुई थी वहाँ पर बट कोई ना वो मैंने अपने बापू से बात की अब आई टी कानपुर का एक अलग ही कल्चर है वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट गाइड होता है अब एक स्टूडेंट गाइड के अंदर पाँच बच्चे होते हैं जो कि फ्रेशर होते हैं तो वो उन्हें गाइड करता है तो मैंने अपने बापू से बात की बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो उन्हें मेरे को समझाया कि नहीं थोड़ा पड़ेगा तो हो जाएगा उन्होंने मेरा मेरे को गाइड किया फिर सेकेंड सेम में मैंने अच्छा किया फिर उसके बाद धीरे धीरे करके चलता रहा अब डेढ़ साल के लाइक बाद फिर मैं आया अक्टूबर में अक्टूबर ट्वेंटी में जब कॉलेज आया तो यहाँ पर आके मैंने दोस्त बनाए बहुत सारे चिल चिलके फेस्ट हुआ ठीक है तो वहाँ पर काफ़ी अधिक खुला लाइक कॉलेज के बारे में जाना क्योंकि डेढ़ साल तक कुछ पता नहीं था आई कानपुर इंडिया के टॉप कॉलेज में आता है लाइक थर्ड या फोर्थ टॉप कॉलेज है बट ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो कुछ फील नहीं आई थी कि यार हम आई कानपुर के अंदर हैं या आई में जब कॉलेज गया तो वहाँ फील आई दोस्त बने फिर बहुत सारे पार्टी की फेस्ट हुए तो लाइक अलग ही लेवल अलग ही मज़े किया तो तीन साल अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ तो अभी तक की जो भी लाइफ रही यार बहुत अलग लेवल की रही है लोग बोलते हैं आईटी में जाके सिर्फ मज़े मज़े करते हैं लोग अपना पैसन फॉलो करते हैं बट ऐसा नहीं होता है यदि आपको लगता है कि आईटी में लोग जाके पढ़ाई नहीं करते तो आप एक बार आई टी कानपुर आइए यहाँ का एगेट्स अलग लेवल का है आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा नहीं पढ़ोगे तो प्रोफेसर आपको डी देता रहेगा और आप बस पास होते रहोगे सो तीन साल की कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत ही इन्जॉय किया दोस्तों के साथ बहुत सारे ट्रिप की बहुत ही मजे किए और बहुत से बच्चे यार अभी जो जे की तैयारी करते हैं उन्हें लगता है कि आई में जाके लोग अपना पैसन फॉलो करते हैं और कॉलेज एकेड्स की तरफ बहुत ही कम ध्यान देते हैं पढ़ना नहीं पड़ता बट ऐसा नहीं है यदि आपको लगता है कि यार आई में जाके पैसन फॉलो करने को मिलेगा पढ़ने को कम पड़ेगा तो आप एक बार आई कानपुर आइए यहाँ का एकेड्स अलग लेवल का है लाइक काफ़ी सही है यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा नहीं पढ़ना चाहोगे फिर भी पढ़ना पड़ेगा तो इस तरह से रहा बट अभी तक जो भी मेरी कॉलेज लाइफ रही है उसमें बहुत कुछ मैंने सीखा स्टार्टिंग जब मैंने की थी लाइक जैसे मैं आई में मेरा हुआ तो मेरा सपना था यू का मैं यू की तैयारी कर रहा था दो साल तक यू की तैयारी की मैंने बट जब मेरा एक फ्रेंड बना उससे मैंने बातें की बहुत सारी तो वो प्लेसमेंट की तरफ जा रहा था तो उससे बातें करके तो मेरे को भी लगा यार यू तो कभी भी कर सकते हैं वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो तो मैंने वहाँ पर यू का छोड़ के कोडिंग करना स्टार्ट किया और साथ ही साथ मैंने एक स्टार्टअप भी लॉन्च किया था अपना अपने दोस्त के साथ ही उसे भी रन किया बट कुछ कारणों की वजह से हम लोगों को उसे बंद करना पड़ा और फिर अभी मैं अपनी जो जॉब है उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ ठीक है so, सो अभी एक सी साल बचा हुआ है लाइक दिसंबर में प्लेसमेंट हो रहे हो हम लोगों के तो उसके लिए अभी मेरा कोडिंग मेन फोकस है और उसी पे कर रहा हूँ सो so, अभी मैं थर्ड ईयर में, में हूँ और इस दिसंबर में मेरा प्लेसमेंट हो रहा होगा तो अभी मेरा मेन फोकस है प्लेसमेंट पे और उसके लिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ सारी चीज़ें भी कम कर दी यूट्यूब भी बहुत ही कम कर दिया है जो स्टार्टअप थे और जो यू था उन सबको पीछे छोड़ के अभी सिर्फ फोकस है प्लेसमेंट पर प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद चीज़ें की जाएंगी तो अभी तक की जो भी मेरी कॉलेज लाइफ रही है जो भी मेरी स्टोरी रही है जेई की तैयारी हो गई या कॉलेज लाइफ हो गई तो यहाँ पर चीज़ें मेरे पास कम थी मेरे सबसे अधिक प्रॉब्लम थी वो थी लैंग्वेज प्रॉब्लम और फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और बहुत से बच्चे इंडिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती जो गांव से बिलोंग करते हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम करती है तो वो सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इसी में इसी सोच में कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा बहुत से बच्चे स्टार्ट ही नहीं करते हैं जब स्टार्ट नहीं करते तो कर नहीं पाते हैं क्योंकि तो आपको कुछ करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा तो मैंने स्टार्ट किया मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना ही कोचिंग के लिए पैसे थे ना ही इक्विपमेंट थे कि यार ऑनलाइन पढ़ लो एक सिर्फ छोटा सा फ़ोन था वो भी ऐसे ही काम चला रहे थे दूसरी बैटरी लगा ला के उससे मैंने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई दो तीन महीने में मेरे को समझ नहीं आ रहा था बट धीरे धीरे कर 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 कर, कर सीखते सीखते चीज़ें हुई कॉलेज में आया वहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई वहाँ पर भी अच्छा मैंने नहीं किया स्टार्टिंग में बट एट द एंड अच्छा होने लगा ठीक है तो सब कुछ अच्छा तो सब कुछ अच्छा हुआ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी बहुत आपको लगेगा कुछ ऑप्शन ही नहीं मेरे पास है मैं कैसे करूँगा सपने आप देखोगे तो उसके लिए आप फाइट करोगे उसके लिए आप कदम बढ़ाओगे तो ऑप्शन मिल जाएंगे रास्ता खुल जाएगा कोई ना कोई आपको बताने वाला कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला मिल ही जाएगा जिससे आप अपना जो ड्रीम है वहाँ तक तो पहुँच पाओगे बट उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी लाइफ में सक्सेस पाना या कुछ भी अचीव करना इतना ईजी नहीं है बट हार नहीं माननी है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सो स्टार्ट करो अपने टारगेट तक आप लोग पहुँचेंगे भी पहुँचोगे सो ऑल द बेस्ट Thank you.